हेलो फ्रेंड्स, सबसे पहले संजय सूरी सर को जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। संजय सूरी का जन्म हुआ था 6 अप्रैल 1971 को और उनकी पहली फिल्म आई थी 1999 में आई थी प्यार में कभी कभी। हैव ए ग्रेट डे संजय सर। क्या टाइगर श्रॉफ वॉर 2 से बाहर हो गए हैं? जी हाँ, लग तो ऐसा ही रहा है। अब जब ये कंफर्म हो गया है कि आयन मुखर्जी डायरेक्ट करेंगे वॉर 2, जिसमें ऋतिक रोशन है और विलेन का रोल करेंगे जूनियर NTR, इस हिसाब से तो टाइगर श्रॉफ का पत्ता कट है। दूसरी तरफ आयन ने लटका दिए करण जौहर की फिल्म ब्रह्मास्त्र 2 एंड ब्रह्मास्त्र 3, क्योंकि आयन मुखर्जी कम से कम 1.5-2 साल लेंगे वॉर 2 को रिलीज होने तक। कन्नड़ सुपरस्टार किचा सुदीप को धमकी। जी हाँ, किसी ने उन्हें लेटर लिखा है कि किचा के प्राइवेट वीडियोस वो लीक कर देगा। अभी उसने कुछ मांगा नहीं है, लेकिन धमकी जरूर दी है। किचा के मुताबिक उनको पता है कि ये धमकी कौन दे रहा है और वो सही समय पर उसका उजागर करेंगे और फिलहाल वो कानूनी कार्रवाई करने जा रहे हैं। आपको पता होगा कि किचा जल्दी बीजेपी ज्वाइन करेंगे और उनके कई पॉलिटिकल पार्टी में अच्छे खासे संबंध भी हैं। मलाइका अरोरा करेंगी अर्जुन कपूर से शादी। जी हाँ, खुद मलिका ने गत दिनों कंफर्म किया कि वो 37 वर्षीय अर्जुन कपूर से शादी करके घर बसाना चाहती हैं और अगले 30 सालों तक इंडस्ट्री में काम करने की उनकी ख्वाहिश है। दोनों में एज डिफरेंस 10 साल का है, लेकिन मलिका को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। उनके मुताबिक अर्जुन कपूर उनके लिए परफेक्ट पार्टनर है। ऑल द बेस्ट टू कपल। ऋतिक रोशन हुए शादी के पहले ही अपनी प्रेमिका के गुलाम। जी हाँ, गत दिनों नीता मुकेश अम्बानी के कल्चरल सेंटर की लॉन्चिंग पर ऋतिक को अपनी प्रेमिका सभा के सैंडल हाथ में उठाते हुए देखा गया। शादी हुई नहीं और साहब ने गुलामगिरी अभी से शुरू कर दी। क्या किम शर्मा और लिएंडर पेस में ब्रेकअप हो गया है? लग तो ऐसा ही रहा है, क्योंकि किम ने गत दिनों अपने इंस्टाग्राम पोस्ट से उन दोनों के सारे फोटो डिलीट कर दिए। पता हो कि शादीशुदा किम का एक समय रोमांस था क्रिकेटर युवराज सिंह से और बाद में हर्षवर्धन राणे से। दूसरी तरफ लिएंडर पेस का रोमांस चला था संजय दत्त की पूर्व प्रेमिका रिया पिल्ले से। खैर, जस्ट 2021 में रोमांस शुरू होके किम का लगता है बहुत जल्दी मन भर गया लिएंडर पेस से। जरूर नए शिकार की तलाश में लग गई होंगी मोहतरमा। बॉक्स ऑफिस। भोला का 7वें दिन कलेक्शन रहा मात्र 2.5 करोड़ और टोटल 51 करोड़ रहा 7 डेज का। लाइफ टाइम कलेक्शन 75 करोड़ से भी ज्यादा नहीं होगा, इस बात की गारंटी है। पहले शहजादा फ्लॉप, फिर सैफी और अब भोला, और ये तीनों फिल्में साउथ की रीमेक थी। उम्मीद है कि बॉलीवुड वाले समझेंगे कि रीमेक से तौबा, ओरिजिनल सब्जेक्ट पे काम करो और दर्शकों को कुछ अच्छा परोसो, न कि किसी की झूठन। आप सभी का शुक्रिया चैनल देखने के लिए, लाइक करने के लिए और सब्सक्राइब करने के लिए।